है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। पिछड़ों के दर्द को, गरीबों और वंचितों के दर्द को कोई गरीब का बेटा ही, पिछड़ा का बेटा ही समझ सकता है, और यह साबित हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुमत में है, तो यह एक पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको आज तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, उसको संवैधानिक दर्जा मिले, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब इस विधेयक को लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन जब राज्यसभा में गया तो कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियों ने, जो अपने को हमेशा कहती है कि हम पिछड़ों की पार्टी हैं, हम पिछड़ों के शुभचिंतक हैं, हम उसके हित की बात करते हैं, तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राज्यसभा में इस विधेयक को क्यों नहीं पारित होने दिया गया, क्यों नहीं राज्यसभा में इस विधेयक को पारित होने दिया गया? एक बहाना बनाया गया कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक सदस्य बनाया जाए, जबकि अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हमेशा से कांग्रेस पिछड़ों वर्गों के अहित के लिए ही काम किए, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से उठाकर राजीव गांधी जी के जमाने से लेकर अभी तक के जमाने के आप इस सदन के कार्यवाही को देखेंगे, कांग्रेसियों के करतूतों को देखेंगे, तो हमेशा पिछड़ों का विरोधी कांग्रेस रही है। चाहे वह नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे उनको न्याय और अधिकार देने की बातें आए, चाहे उनके विकास के लिए जब योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें जब बातें आती हैं, तो कांग्रेस हमेशा पिछड़ों के खिलाफ काम करने का काम किए। और हमारे प्रधानमंत्री जी उस घर को रोशन करने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, उस घर को रोशन होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, काका कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिश को सुपुर्द किया, सिफारिश में पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, नौकरियों में आरक्षण हो, उनको न्याय मिले, अधिकार मिले, उनके उत्थान और विकास और उनके संरक्षण के लिए उसमें सिफारिश की गई। जिस देश में पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सिफारिशों का पुरजोर विरोध करते हुए इसी सदन में उस आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया। सिर्फ खारिज नहीं किया, उस समय की जितनी भी राज्य सरकारें थी सबको उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि काका कालेलकर की उन सिफारिशों को मानने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। और एक तरह से उस समय पिछड़ों को दगा दिया गया, पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया, पिछड़ों के विकास को रोका गया। और उसके बाद कांग्रेस कोई भी पिछड़ों के लिए किसी आयोग का गठन नहीं की। जब मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो बीपी मंडल जी के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने बड़ी बारीकी से पूरे देश में जातियों का सर्वेक्षण किया, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण किया,
और मैं स्पष्ट रूप से सदन में बता देना चाहता हूं कि आज मंडल आयोग की सिफारिशों में किसी के साथ बेईमानी नहीं की गई। आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब आप उठाकर देखेंगे तो जो जातियां बिहार में बैकवर्ड में हैं, हो सकता है कि वह जातियां गुजरात में जाकर फॉरवर्ड की श्रेणी में आ जाए, जो मध्य प्रदेश में अगर वह फॉरवर्ड की श्रेणी में हो तो हो सकता है कि बिहार में जाकर वह बैकवर्ड की श्रेणी में आ जाए। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं कि आज ब्राह्मण समाज से आने वाले गिरी, भट्ट और महापात्र भी बिहार में पिछड़ों की श्रेणी में है, पिछड़ों की श्रेणी में। आज गुजरात में उठाइए, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के किसी भी राज्यों में जाइए, मैं उतना विस्तृत नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कि राजबाड़ जो जातियों की श्रेणियों को जो श्रेणीबद्ध किया गया है उसके हिसाब से देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के पिछड़ों के साथ, चाहे वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रेणियों में क्यों ना हो, उनके साथ मंडल आयोग में न्याय किया गया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट सबमिट की गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस ने उस मंडल आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया। जब बीपी सिंह के नेतृत्व में जब दिल्ली में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नेतागण कई मंत्री, महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल को संभाल रहे थे, और उस समय बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और केंद्रीय नौकरी में 27% नौकरियों का प्रावधान जो था उसको लागू किया। उस समय लगातार कांग्रेस के लोगों द्वारा विरोध किया गया, अपोजिशनल पावर, और जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके बाद इसी सदन में 3 बार चर्चाएं हुई उस सिफारिश को लागू करने के लिए, और राजीव गांधी इस सदन में 3 घंटे तक मंडल आयोग की सिफारिश लागू न हो इसका विरोध करते रहे, इसका विरोध करते रहे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि आखिर प्रारंभ से पिछड़ों के हित का आप काम क्यों कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है आपको पिछड़ों ने? क्या उनके दर्द और उनके आंखों की आंसू, क्या उन आंखों से कनखी और मटकी चलाने वाले लोगों में दया करुणा की बात नहीं लाती है? क्या पिछड़ों के उन गरीब बेटों को हक नहीं है कि वह नौकरी को प्राप्त कर सके? और 27% का जो आरक्षण मिला है, जो अभी भी 11-12-15% पर जाकर रुक जाता है, तो 27% आरक्षण का लाभ क्या पिछड़े के बेटे और बेटियों को नहीं मिलना चाहिए? क्यों रुका हुआ है? या इसलिए रुका हुआ है कि मंडल आयोग मात्र एक मामूली सा कानून निकाय बनकर रह गया है, जब पिछड़ा वर्ग आयोग, एक मामूली कानूनी निकाय बनकर रह गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर सोचा, समझा, कहा कि हम पिछड़ों को न्याय देंगे, और न्याय देने का सबसे साफ साफ बड़ा और महत्वपूर्ण रास्ता यही है कि पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाए, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले। मैं स्पष्ट रूप से एक मिनट और हम लेना चाहेंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि आज इसके संवैधानिक दर्जा मिलने से, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलता है तो मैं इसके कुछ फायदों की चर्चा करना चाहता हूं, ताकि उन कांग्रेसियों और उनको सहयोग देने वाले लोगों की आंखें खुले और इस विधेयक का समर्थन करें, वरना एक एक पिछड़ा गांव और गलियारे में, खेत और खलिहान में उनका इंतजार करेगा उनको जवाब देने के लिए, और जवाब देकर रहेगा। महोदय, संवैधानिक दर्जा मिलते ही अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के बराबर कर दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त हो जाएगा।
आयोग पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नति से संबंधित सारे कार्यों का निर्वहन करेगा। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने में और न्याय देने में सक्षम होगा। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अधिकार पर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही करने पर, शिथिलता बढ़ते जाने पर उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। पिछड़े वर्ग पर किए जाने वाले अत्याचार और अपमान की सुनवाई और उस पर न्याय का अधिकार उस आयोग को होगा। मंडल आयोग के सिफारिशों को मजबूती प्राप्त होगी। 27% के अधिकार जो केंद्रीय नौकरियों में मंडल आयोग के माध्यम से मिला है उसको मजबूती मिलेगी। मंडल आयोग लागू होने के बावजूद भी आज हम 27% के उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं, पद रिक्त रह जाता है, उस पद को भरने में भी आज सहूलियत होगी। पिछड़े वर्गों के हजारों हजार जातियों में, हजारों हजार जातियों में आज बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो मंडल आयोग लागू हो जाने के बावजूद भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाती है, उस आरक्षण का लाभ भी वंचित पिछड़ों को मिलेगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अंधियारे घर में दीपक जलाने का नाम है नरेंद्र मोदी, दुखियों के घर में सुख बरसाने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी, घर घर में जिससे दिवाली हो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत की रखवाली करे उसका नाम है नरेंद्र मोदी, पवन से तेज चले उसका नाम है नरेंद्र मोदी, असीने से दे पत्थर तोड़ उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सबक लीजिए, आइए, नहीं तो पीछड़ों की तूफान में आप पत्ते की तरह इस प्रकार उड़ेंगे कि हिंदुस्तान की धरती पर आपको जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।